नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण सह मुस्मी प्रथम हेडलाइंस पीएम किसान निधि योजनार समस्त किस्ती प्रदान 9 कोटी चाषी अकाउंट को गला 18,000 कोटी ओडिशा समेत 6 राज्यर चाषी आलोचना कले मोदी नुआपड़ा चाषी नवीन कथा हेले प्रधानमंत्री सुरेश महापात्र हेले राज्यर मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी को मिलला नुआ दायित्व पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष निजुक्त हेले असित प्रदीप जेना हेले उन्नयन कमिशनर जगत सिंहपुर चापारे अटलजी प्रतिमूर्ति उन्मोचन कले धर्मेन्द्र कार्यक्रम राज्य सरकार बर्षिले केन्द्रमंत्री केन्द्र टंका को अटकाउ राज्य चाषी 6 वर्ष 6,000 कोटी गला कड़े उठाइले प्रश्न आज अटलजी जन्म जयंती विश्व मन पकाउछि वाजपेयी अवदान श्रद्धांजलि जनाइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अटलजी जीवनी उपरे पुस्तक उन्मोचन कले मोदी ट्विट कर अटलजी मन पकाइले धर्मेन्द्र प्रधान गंजाम रे पुणी कोरोना चिंता सरकारी कर्मचारी हेडक्वार्टर्स छाड़ीबा उपरे रोक निर्देश करी तागित कॉलेज जिलापाल पिकनिक स्पॉट एवं गोपालपुर बेलाभूमि रे भिड़ा उपरे नजर अंतरिक्ष रु खोलिबो बिरजा मंदिर हेबनी विवाह किंबा मानसिक पूजा सेपटे जानुरी 3 रु आखंडलमणि मंदिर खोलिबा सूचना भक्तों थर्मल स्क्रीनिंग सह सानिटाइज व्यवस्था सुरखुरी दर्शन पाई मगब्रिल आसंता कालीठु वार्डवारी दर्शन करिवे पुरीवासी दर्शन व्यवस्था समीक्षा कले केन्द्रांचल डीआईजी सुरक्षा दायित्व रे अटल प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन एवं आज बड़दिन मध्यरात्र रे धरावतरण कले प्रभु जीशु राज्य में नाही उत्सवर माहौल कोरोना कटकणा जोगु फिका क्रिसमस अब देखिबा संपूर्ण खबर चाषी मोदी आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भिसी जरिया ओडिशा समेत 6 राज्यर चाषी आलोचना करछन्ते अवसर में पीएम किसान योजना रे समस्त किस्ती टंका चाषी अकाउंट को पठा जाइछि 9 कोटी चाषी अकाउंट को पठा जाइछि 18,000 कोटी ए अवसर में से नुआपड़ा चाषी नवीन कथा होती पीएम किसान सम्मान निधि योजना रु सुविधा मिलता से कहते अर्थर बिहन कीटनाशक औषध किनी चाषी सेपरी किसान क्रेडिट कार्ड रे ऋण मिली चाष पशुपालन मिली आर्थिक सहायता किसानों के जीवन में खुशी ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम शांति और सद्भाव का प्रसार करें साथियों आज मोक्षदा एकादशी है गीता जयंती है आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है देश के महान कर्मयोगी हमारे प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है साथियों अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया गीता में कहा गया है स्वयं स्वयं कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया सुशासन को गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का
हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश महापात्र हेले मुख्य शासन सचिव। असित त्रिपाठी परे दायित्व ग्रहण करिसेंते सुरेश महापात्र। 2022 पर्यंत तांकर कार्यकाल रहिछे। पूर्वरु से उन्नयन कमिशनर दायित्व रहिले। प्रदीप कुमार जना नुआ भावे उन्नयन कमिशनर भावे दायित्व ग्रहण करिसेंते। असित त्रिपाठी नुआ दायित्व मिलिछे। पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर अध्यक्ष हेले असित त्रिपाठी। आंचलिक परिषद, पर्यटन, शिल्प, कृषि समेत किसी विभाग मुख्य परामर्शदाता भाव रे असित त्रिपाठी। 2019 अगस्ट 19 तारीख में असित त्रिपाठी मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व ग्रहण करते। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ा प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति। दिव्य, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश महापात्र हेले मुख्य शासन सचिव। असित त्रिपाठी परे दायित्व ग्रहण करिसेंते सुरेश महापात्र। तांकर कार्यकाल केते वर्ष रहुचे एवं एने अधिक अपडेट कौन रहुचे? तेज वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश महापात्र हेले मुख्य शासन सचिव। असित त्रिपाठी परे दायित्व ग्रहण करिसेंते सुरेश महापात्र। 2022 पर्यंत तांकर कार्यकाल रहिछे। पूर्वरु से उन्नयन कमिशनर दायित्व थिले। प्रदीप कुमार जेना नुआ भावे उन्नयन कमिशनर भावे दायित्व ग्रहण करिसेंते। असित त्रिपाठी को नुआ दायित्व मिलिछे। तेज पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर अध्यक्ष हेले असित त्रिपाठी। आंचलिक परिषद भावे तांकर अनेक कार्य रहिछे। तबे हम सहित जोड़े छंती फोन लाइन हम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति। दिव्य, अने अधिक अपडेट कोन रुचि? देखो विष्णु, निश्चित भाव में सरकार गोटे गुरु दायित्व देखते सुरेश महापात्र को परवर्ती मुख्य शासन सचिव हिसाब से आज दायित्व दिखाई और किसी दिन भितर से दायित्व भार ग्रहण करेंगे। बर्तमान गुरु दायित्व रही राज्य शासन भार कि भाव में आगक जीव कि शासन भार को चलते समस्त नजर रही सहित जे पूर्वतन चीफ सेक्रेटरी अर्थात मुख्य शासन सचिव रही असित त्रिपाठी सरकार किसी दायित्व देखते से पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष होती जो छह मास धरिकी पदवी खाली पड़ा नहीं गोटे परिकल्पना गोटे नाना कल्पना चलता से परवर्ती पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष किए हे जे पॉलिटिकल लीडर को बाछबे नवीन पटनायक ना आउ कहा सेटारे थैसान कर बर्तमान जे रही मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी थैसान करसत मुख्यमंत्री परामर्शदाता हिसाब से किसी विभाग दायित्व दिखाई अंपटे जी देखिए सुरेश चंद्र महापात्र क्यारिययर कथ देखिए सुरेश चंद्र महापात्र अनेक जिलार जिलापाल रही तन्मधे जिते बड़े जगन्नाथ श्रीमंदिर परिचालना कमिटर से अध्यक्ष थे से समय अनेक गुरु दायित्व निर्वाह करन कमिशन हिसाब से अनेक गुरु दायित्व निर्वाह कर जो सरकार विश्वास योग्य को लेकिन भरोसा करसबे बर्तमान दायित्व दिखाई अंपटे जी रही प्रदीप कुमार जेना देखिए नुआ उन्नयन कमिशन हिसाब से देखिए दायित्व ग्रहण करेंगे आज पूर्व से एसआरसी अर्थात एसआरसी डिपार्टमेंट थे सहित अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण विभाग से दायित्व संभाली सारी पूर्व तो बर्तमान दुई जन वरिष्ठ अधिकारी को दुई गुरुत्वपूर्ण विभाग दि जाइए गोटे मुख्य शासन सचिव पदवी रही सुरेश चंद्र महापात्र अंपटे पीके जेना अर्थात प्रदीप कुमार जेना बर्तमान उन्नयन कमिशन हिसाब से दायित्व ग्रहण करेंगे तो निहत भाव में आगक राज्य शासन भार कि शासन भार को यही दुई जन जो रही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी किभली संभाल समस्त नजर रही अंपटे आगक आईएएस स्तर में गोटे विराट परिवर्तन होगा गोटे बड़ अदल बदल होगा कारण जेहेतु असित त्रिपाठी थे से टीम को गोटे सर्कुलेट करीम को से बाची से कहला फाइल गुड़िक दौड़ फाइल गुड़िक जो भाई पड़ी रोला से समय असित त्रिपाठी दायित्व ग्रहण करते से कहते फाइल गुड़िक दौड़ कि परवर्त समय देखिए विभिन्न विभाग फाइल गुड़िक अटकी रही है कितु जिते सुरेश महापात्र दायित्व नहीं किभली भाव में जो सरकारी विधि व्यवस्था को आगू नौ सहित जो टीम को किभ बाछुंत नुआ बर्ष कह नुआ टीम सुरेश महापात्र बाछे टीम को बाछवा सह आगक गवर्नमेंट किभ फर्मेसन हम से दिग्वे से कार्य करेंगे विस्मी निहतर दिव्य अर्थात 2022 पर्यंत तांकर कार्यकाल रही है और तापर समस्त नजर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आप समस्त सूचना पाए।
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜାପାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେପଟେ ସେହିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରର ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁନଃବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ, ଗରିବଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ସେଲ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଚାଷର ବିକାଶ ପାଇଁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରଖାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ହେଲା କ'ଣ? ବାଟ ମାରଣା ହେଲା। ଏବେ ଏବେ କିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ବଡ଼ ଅଫିସର, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଫିସରଙ୍କର ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣଙ୍କ ଘରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଲା ସେ ଘରର ମାଲିକ ଗାଁରୁ ଚୋରି କରିକି ରଖିଥିଲା ବୋଲି ତା ଘରେ ରହିଲା ନା? ସେ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଚୋରି ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା, ଦାୟୀ କିଏ ହବ, ମାଲିକ ନା ସେ ଘରର ଚାକର? କିଏ ଦାୟୀ ହବ? କିଏ ଦାୟୀ ହବ? କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ଭାଇମାନେ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଜବ ନୀତି। 20 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଧରାଯାଉଛି କାହାକୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକୁ। କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଗଲା ଦେଖ। ଧରାଯାଉଛି କାହାକୁ? କିରାଣୀକୁ। ଧରାଯାଉଛି କାହାକୁ? ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ି ଅଫିସରଙ୍କୁ। ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଁ ନାଁ ନେବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଆଜି ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନାଁ ନେବି ନାହିଁ। ନା ନା, ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେ ନାଁକୁ ନେବେ। ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଦୈବ ଅଟଳ ସ୍ମାରକୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅସୀମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶକୁ ବିକାଶର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରାଯିବ। ସେ ରାଜନେତା ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଥିଲେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା, ଓଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ କବି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର 10ମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ 3 ଥର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିର ପୂଜାରୀ, ମାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ଶକ୍ତିର ଆରାଧକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାହୋରକୁ ବସ୍ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଶାନ୍ତିର ସଂଯୋଗ, ଅପରପକ୍ଷେ ପୋଖରାନ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ଯେ କିଛି କରିପାରେ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ଅଟଳଜୀଙ୍କ 96ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଅର୍ଗସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वो लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ କରିଥିଲା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ।
जगतसिंहपुर जिला एरसमारे कुढ़ कुढ़ शव से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी होते ओडिशावासी दुर्दिन साथी महावात्या विध्वस्त ओडिशा उद्धार रिलीफ और थैथान पर योगदान थिला अनन्य आज ओडिशावासी मानस पटल से जाजुल्यमान ओडिशार विकास अर्थर अभाव रहा वज्र घोषणा ओडिशारे तयारी होइछि दिल्ली बाहर देशर प्रथम एम्स सेतेबेले देशर स्वास्थ्य मंत्री थिले सुषमा स्वराज से ओडिशार एक जनसभारे कहिथिले ओडिशारे एम्स पाई अटल जी को केही दाबी करि नथिले बा लबी करि नथिले जेतेबेले अटल सरकार निर्णय कले देशर सबु राज्य रे एम्स मानर उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा पाई अटल बिहारी वाजपेयी निर्देश देथिले प्रथम एम्स ओडिशारे निर्माण करिबा पाई एहा तांकर ओडिशा को भल पाइबार स्पष्ट प्रमाण पारादीप आरंभ होइथिबा भारतीय तैल निगम विशाल तैल विशोधनागार पाई से समय देशर सर्वबृहत सरकारी पुंजी निवेशर निर्णय देखिला अटल जी पारादीप ओडिशार विकास द्वीप परिकल्पनार स्थपति होती से ही प्रभात पुरुष आज विशोधनागार सह तैल और रासायनिक क्षेत्र विशाल पुंजी निवेश संभव होगा पक्षर रही अटल जी अवदान वाजपेयी सरकार आसवा पूर्व ओडिशार केवल 1600 किलोमीटर जातीय राजपथ थिला वाजपेयी को 5 वर्ष शासन में यही 1600 किलोमीटर दुईगुण हो 3200 किलोमीटर पहुंचा वाजपेयी होती ग्रामीण सड़क क्रांतिर जनक सारा देश समेत ओडिशार अपहुंच गांव को पक्का सड़क पहुंचाइबारे से जो कालजयी निष्पत्ति नहीं तार लाभ ओडिशार गां गंडा पर्यंत पहुंची ओडिशार दीर्घ दिन स्वप्न पूर्वतट रेलपथ को साकार करिबारे थिला अटलजी दृढ़ निर्णय पारादीप हरिदासपुर रेल लाइन माध्यम जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और जाजपुर जिला को रेल संयोग अटलजी मानस पुत्र अटलजी थिले शांतिर पुजारी मात्र से थिले शक्तिर आराधक गोटे पटे लाहौर को बस यात्रा और पड़ोसी राष्ट्र सह शांतिर संयोग अपरपक्षे पोखरान परमाणु विस्फोरण माध्यम शांतिर सुरक्षा पाई भारत जे किछि करि परे देथिले विश्व समुदाय को दृढ़ बार्ता अटलजी 96वें जयंती अवसर में देशवासियों सह अर्घ्य श्रद्धांजलि आज सिंधु में द्वार उखा है नगपत फिर ललकार उठा है कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा ब्यूरो रिपोर्ट और कसम भुवनेश्वर एम्स परिसर में भारत रत्न स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी 96वें जन्म जयंती पालन होवसर में एम्स निर्देशिका बी गीतांजलि एम्स अनेक कर्मचारी उपस्थित थे एम्स परिसर में आज अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण कर ऐतिहासिक निष्पत्ति ये निष्पत्ति को आज एम्स द्वारा जो ओडिशार साधारण लोक जो उपकृत होती आज दिन में एक कथा मन पकेला बेलकूल आम गर्व लगुच विकास पुरुष भाव भारत साधारण सामान्य व्यक्ति विशेष चिंता करूबार व्यक्ति मान्य स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी संबलपुर जिला बीजेपी पक्षर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पालित हो जाए
अवसर में माँ समलेश्वरी पीठ से बीजेपी पक्ष दीप प्रज्वलन करजपेयी को श्रद्धाजलि ज्ञापन कर आज बीजेपी कार्यालय समेत हीराकूद और विभिन्न स्थान रक्तदान शिविर अनुषित होभिन्न स्थान में फल बंटन कर स्वास्थ्य सेवा जांच कार्यक्रम रही। आज वाजपेयी जयंती है। वाजपेयी जी समस्त मृत्यु पर भी अमर समस्त हृदय अच्छे से अमर समस्त लगे लगे से अमर अन् आज भारतीय जनता पार्टी पूरा भारत वर्ष सुशासन दिवस हिसाब से पालन करूचे तो तार अनुसार आम आज ये जगह सकाल दीप जलेचु तार पर आज ब्लड डोनेसन कैंप आरंभ हाँ तापरवर्ती समय रे हमर आज बुल्लारे ट्रेनिंग कैंप अच्छे बुल्लारे भी ब्लड डोनेसन कैंप अच्छे हीराकूद ब्लड डोनेसन कैंप अच्छे गौशलार भी ब्लड डोनेसन कैंप अच्छे तो विभिन्न जगार कें मिष्टान बंटन अच्छे कें फल बंटन अच्छे कें जगार रोगी सेवा अच्छे तो सब जगार कि ना कि पूरा सब मंडल के कार्यक्रम आज रखा है तो आज आम भारतीय जनता पार्टी कर्मी समस्त आज सुशासन दिवस हिसाब से मनाऊ। मयूरभंज जिला करंजी संगीत महाविद्यालय परिसर में पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पालित हो जाए। करंजी नगर सभापति रोहित पृष्टि सभापतित्व नगर कार्यकर्ता माने उपस्थित रही अटलजी फटोचित्र पुष्पमाल्य अर्पण करते असवा परवर्ती खबर को गंजाम को पूर्ण कोरोना चिंता जिलापाल कड़ा तागिद सरकारी कर्मचारी हेडक्वार्टर्स छाड़ा उपर रोक लगे जिलापाल बिना अनुमति रे हेडक्वार्टर्स न छाड़ा को दि जाए कड़ा निर्देश पिकनिक स्पॉट एवं गोपालपुर बेलाभूमि जेभली भिड़ न हुए तापर नजर रखा जिलापाल तागिद करते ब्रिटेन में कोरोनार नुआ स्ट्रेन चिन्हट होगापर आतंक सारा विश्ववासी एपरी स्थित कोरोनार कोप देखुवा गंजाम जिलावासी आगुआ सतर्कवाणी शुणाई गंजाम जिलापाल विजय अमृता कुलांगे पुणि थे कोरोना काया मेलायबा आशंका कर निर्देशनामा जारी कर जिलापाल अंतरिक्ष खोल जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बीरजा मंदिर एने जाजपुर जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर सूचना देते तेज जानुरी एक रु तीन तारीख पर्यंत बंद रंदिर यापर पुणी भक्तों पर खोल से मंदिर भितर कौन बह कार्य कराबनी सका छु संध्या पांचटा जाए दर्शन भक्त को मिल अनुमति तो 29 तारीख रे आम आरंभ हम सका छु संध्या पांचटा पर्यटन दर्शन ओपन रहेबे नियम अनुसार जो आम एक तीन जो दर्शन बंद रहुची से परंपरा अच्छी से समय बंद रहेबे आर संगे आम जो एंट्री रहेबे एंट्री सिंह द्वार रे हम से महिला और पुलिस मानी अलग अलग लाइन अच्छी से अनुसार आम बारिगेटिंग करदेलु से आसिकी दर्शन करके जो अच्छा आम उत्तर द्वार बाहर आर संगे जे जन मानक भी भितर आसबे मास्क पहनवा कंपलसरी अच्छी बाहर आमर थर्मल स्क्रीनिंग हम जहाँ भी किसी भी सिम्टम रहेबे कोविड रिलेटेड सिम्टम से जन मान को आम एंट्री अलाउ करेबो ने आर संगे जो आम डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस रहेबे पार्किंग आम ओनली से एरिया रे ही अलाउ करेबे यही छाड़ी कि आमर जो प्रसाद सेवन मंदिर भितर मना रहेबे जो पिंडदान जो प्रक्रिया अच्छी ताप अगर किए चाहती से करवाई तो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन पाखे से जाकर रजिस्ट्रेशन कराइबे और आम सिक्वेन्सींग करबू सो दैट से कि अधिक गली हम ना तो मुझे थोड़े रिपीट करी कि दर्शन पर ही रजिस्ट्रेशन किसी दरकार नहीं परंतु अगर आप पिंडदान करने चाहती तो से आपको रजिस्ट्रेशन करवा पड़े। जनवरी तीन रु साधारण भक्त दर्शन पर खोल आखंडलमणि पीठ सका सतट रु संध्या पांचटा जाए बाबा दर्शन करें भक्त तेरे दर्शन समय भक्त निजसह फूल दीप भोग किंबा अन्य कोनोसी पूजा सामग्री नहीं पारे ना दर्शन पर प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था करा स्वतंत्र ब्यारिकेड रे श्रद्धालु माने मंदिर जिबे समस्त भक्तों थर्मल स्क्रीनिंग सह सानिटाइज करा जिबो मुंडन किंबा मानसिक पूजार्चना बंद रहिबो। सेपटे सुरखुरी में दर्शन पाई मक ड्रिल आसंता कालीठ वार्डवारी दर्शन करेंगे पूरीवासी या पूर्व आज श्रीमंदिर दर्शन व्यवस्थार समीक्षा करिछंती केन्द्रांचल डीआईजी आशीष सिंह
पुरी एसपी के विशाल सिंह मध्ये दर्शन व्यवस्था तदारख करछन्ते। दर्शन व्यवस्था पई 18 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। भक्त मानक मध्ये सामाजिक दूरता रक्षा करा जिवो। मास्क पिंधिबा सह क्योस्क निकट रे सानिटाइज हेबे। विशेष करी गहळी नियंत्रण उपरे ध्यान दिया जाउछे। भक्त माने सिंहद्वार दे दर्शन पई श्रीमंदिर मध्ये प्रवेश करिवे एवं उत्तर द्वार दे बाहर को बाहरिबे। श्रीमंदिर भितरे जेउ माने अणसेवायत प्रवेश न करिवे ताहा उपरे जथेष्ट ध्यान दिया जिवो बोली डीआईजी आशीष सिंह कहिछन्ते। माने जानते महाप्रभु दर्शन काली रु लोकल पुरी माने पई आरंभ होछि जहारा कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन गोटे सुपी इश्यू करिछन्ते और वार्ड वाइज दर्शन जो आरंभ हबो ताको आख्या रखे क्योंकि कोविड टाइम अच्छी और पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान आम करुचु कारण कि लोक जो मैंने दर्शन करने आसबे कोविड गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। बैरिकेडिंग जो है मार्केट चेक पर्यंत और भितरे जो मेन प्रथम जो सेट अच्छी सेटा भी है तो आम ताको आख्या करके करीब 18 प्लाटून फोर्स डिप्लॉयमेंट आम करुचु जो कि कोविड गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। लोक मैंने को भी जागृत रखे कि कोविड गाइडलाइन वायलेसन न हो। मंदिर भितर लिमिटेड लोक छाड़ा जी मंदिर क्लियर हेला परे ही नेक्स्ट धाड़ी रे लोक छाड़ा जिबे चूंकि ऑलरेडी जिला प्रशासन क्योस्क व्यवस्था करिछि जहारा आइडेंटिटी कार्ड चेक करा जिबो तापरे ही से माने एंट्री करबे और मंदिर भितरे दर्शन करि परबे। समस्त रे छि राज्य देश दुनिया रा तमाम खबर जाने में देखु था अर्गस न्यूज। नमस्कार।